पार्टनरशिप, आपको ये पता ही है कि जो पार्टनरशिप होती है हमारी, उसको रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक तो है पार्टनरशिप एक्ट 1932 और दूसरा एक होता है पार्टनरशिप जो हम डीड बनाते हैं। पहले हम जो भी अपनी डीड बनाते हैं, क्योंकि पार्टनरशिप इज अ रिलेशनशिप बेस्ड अपॉन द ट्रस्ट ऑफ द पार्टनर्स, तो आप अपने अनुसार कोई भी अपनी पार्टनरशिप डीड को प्रिपेयर कर लेते हो और जो भी चीज आप उसमें डिसाइड करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपकी पार्टनरशिप चलती रहती है। बट कुछ ऐसे चीजें होती हैं कि अगर सपोज आपने कुछ इश्यूज के लिए अपनी पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या पार्टनरशिप डीड में उस चीज को मेंशन नहीं किया, तो उसके लिए हमारे फिर जो पार्टनरशिप एक्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो फिर आगे आ जाते हैं और उनके अकॉर्डिंग हम अपना सारा काम करते हैं। ठीक है, तो पार्टनर, सबसे पहले हम इसका मीनिंग पढ़ेंगे कि डेफिनेशन हो, मतलब पार्टनरशिप होती क्या है। पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल पॉइंट ऑफ व्यू, सबसे पहले तो पार्टनरशिप इज ए बिजनेस रिलेशंस अमंग द टू और मोर पर्संस टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, चाहे वो सब चलाएं और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे के सारे वर्किंग ना हो, उनमें से कुछ स्लीपिंग पार्टनर्स भी हो सकते हैं और कुछ उनके बीच में जैसी भी म्यूचुअल कंसेंट हो उसके अकॉर्डिंग वो लोग उसे काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो वर्कर, जो उसमें पार्टनर्स जो भी एग्री होते हैं उस काम को करने के लिए। यहाँ पर हमारी कई सारी चीजें थी कि सबसे पहले हमारा ये है कि जो मेंबर्स हैं दे शुड बी कैपेबल ऑफ डूइंग एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। पहली, अगर हम करेक्टर स्किप करेंगे तो देयर शुड बी टू और मोर पर्संस, कम से कम दो पर्संस होने चाहिए। अभी मोर कितने होंगे, वो कम से कम भी 50 होंगे, लेकिन कैसे ये डिसाइड किया है। देखो, अगर हमारा एक ही पर्सन काम करेगा तो वो तो सोल ट्रेडरशिप बन जाएगी, तो यहाँ पर कम से कम टू मेंबर्स होने चाहिए तभी वो पार्टनरशिप होगी। तो कंपनीज, यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट में कहीं भी नहीं, ये नहीं कहा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ के पर्सन कितने होंगे। ठीक है, पार्टनरशिप एक्ट में नहीं बताया हुआ, लेकिन जो हमारा है कंपनीज एक्ट, कंपनीज एक्ट में जो 2013 न्यू वाला एक्ट है, उसमें एक सेक्शन है 464, सेक्शन 464, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये ऑथराइज करता है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट्स देता है ये सेक्शन, कि आप इसके पार्टनरशिप के कोई भी, जितने भी आप मैक्सिमम नंबर चाहो पार्टनर्स के वो डिसाइड कर सकते हो, बट दे शुड नॉट बी मोर देन 100%। कि आप 100% से ज्यादा को अभी उसमें अपॉइंट, मतलब ये नहीं कह सकते कि किसी भी पार्टनरशिप में 100 से ज्यादा मेंबर्स नहीं होने चाहिए। और इसी राइट को यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी जो डिसाइड किए हैं, दे आर द मैक्सिमम पार्टनर्स 50, वो हमारे 50 मेंबर्स हो सकते हैं किसी भी पार्टनरशिप में। तो हम एज अ समरी ये कह सकते हैं कि देयर शुड बी एटलीस्ट टू मेंबर्स एंड मैक्सिमम मेंबर्स विल बी 50, एंड दीज मेंबर्स शुड बी केपेबल ऑफ डूइंग एनी टाइप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी पर्सन में को कब होता है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करने में, एक तो वो माइनर नहीं होना चाहिए। ठीक है, माइनर नहीं होना चाहिए का मतलब उसकी एज 18 ईयर्स से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर ना किया गया हो, कि वो पर्सन अपनी एट प्रेजेंट अपनी लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने में केपेबल होना चाहिए। इंसॉल्वेंट बाय द लॉ, उसे इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया घोषित ना किया गया हो। तीसरा, ऑफ द अनसाउंड माइंड, वो इंसॉल्वेंट ना हो। दूसरा, अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए। अनसाउंड माइंड का मतलब कि उसको जो किसी भी मेडिकल अथॉरिटीज ने किसी भी तरीके से उसको अनसाउंड माइंड का डिक्लेयर ना किया गया हो, तो वो पर्सन कैपेबल होता है। तो हमारे यहाँ पर जो पर्संस को हमने लिया है उसकी डेफिनेशन ये है बेटा, ये तीनों चीजें उसमें नहीं होनी चाहिए, ना तो वो माइनर हो, ना इंसॉल्वेंट हो, ना अनसाउंड माइंड का हो। दूसरा, नंबर ऑफ पर्संस हो गए 2 to 50। अब आगे हम जब डेफिनेशन को पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि टू शेयर प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर चाहे डेफिनेशन में हमने प्रॉफिट्स को शेयर करने की बात कही है, लेकिन यहाँ पर ये ऑब्वियस है, उसी के अंदर इंक्लूड है कि नॉट ओनली पॉजिटिव प्रॉफिट्स, दोज पार्टनर्स आर ऑल्सो एग्री टू शेयर द लॉसेस, मतलब नेगेटिव प्रॉफिट्स भी होंगे तो भी वो उनको आपस में डिवाइड करेंगे। ठीक है, एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस कैरिड ऑन बाय, अब वो कभी भी कोई भी सब भी चला सकते हैं और उनके बिहाफ पर कोई भी एक या दो पर्सन भी चला सकते हैं। ठीक है, अब है नेचर ऑफ द पार्टनरशिप।
देखो दो परव्यू से देखेंगे हम पार्टनरशिप फ्रॉम द लीगल व्यू. अगर आप लीगल व्यू से देखते हैं ना, तो इट इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी. आपकी जो पार्टनरशिप में जो लाइबिलिटी होती है दैट इज अनलिमिटेड, अनलिमिटेड लाइबिलिटी. इसका मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म को कोई लॉस होता है, तो उस केस में जो हमारे बिजनेस की एसेट्स हैं, जो फर्म की एसेट्स हैं, इफ दे आर नॉट केपेबल ऑफ पेइंग द बिजनेस लाइबिलिटीज, तो वो जो पर्सन्स हैं, सपोज देर आर थ्री पर्सन्स, देर आर थ्री पार्टनर्स, तो उनकी जो पर्सनल असेट्स हैं उनको भी आप ले लोगे फॉर पेइंग ऑफ, उनको भी उनके अगेंस्ट भी क्लेम किया जा सकता है फॉर पेइंग ऑफ द पार्टनरशिप फर्म्स लाइबिलिटीज. कि अगर मान लो किसी भी फर्म की लाइबिलिटीज हैं वो 10 लाख हैं और वो उसकी एसेट्स जो है वो सिर्फ 5 लाख बच जाती हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पर आकर, तो यहाँ पर डेफिशिएंसी हो गई लाइबिलिटीज को पे करने में 5 लाख रुपीज की. तो ये जो 5 लाख रुपीज हैं ये इनकी जो पर्सनल एसेट्स होंगी एबीसी की, उनसे क्लेम की जाएंगी. तो अगर हम लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, लॉ की तरफ से देखें, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक ही हैं, फर्म और पार्टनर्स एक ही हैं, दे हैव नो सेपरेट लीगल एंटिटी. बट जब अकाउंटिंग के वे से देखते हैं, अकाउंटिंग व्यू से देखोगे, तो दीज आर द सेपरेट लीगल एंटिटीज. मतलब ये हमारी पार्टनरशिप फर्म है और ये हमारे तीन पार्टनर्स हैं एबीसी. अब सपोज फर्म ने, हमने लोन लिया 5 करोड़ रुपीज का टू एस्टेब्लिश अ लार्ज प्लांट, प्लांट के लिए लिया, तो दिस इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ये फर्म की लाइबिलिटीज है. इसको हम फर्म की अकाउंटिंग करेंगे तो उसकी बुक्स में अकाउंट फॉर करेंगे. लेकिन सपोज ए बी सी ने अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए कोई लोन लिया है, ए ने इसको अपनी बेटी को कहीं पे एडमिशन दिलवाना है तो उसने 10 लाख का लोन लिया एजुकेशन लोन, बी को अपने बेटे को कोई शॉप खुलवानी है तो उसने 20 लाख रुपए का लोन लिया अलग से. तो दीज आर द पर्सनल लोन्स. तो इन वाले जो लोन्स हैं इनको हम बिजनेस की अकाउंटिंग में अकाउंट फॉर नहीं करेंगे. अकाउंटिंग पर्पस से देखें तो दीज आर द डिफरेंट पर्सन्स, ठीक है, इनका सेपरेट लीगल एंटिटी होती है. बट लॉ की आईज में अगर लीगल परव्यू से देखें तो दे आर नॉट सेपरेट लीगल एंटिटीज. क्या क्लियर हुआ इतनी बात? यस यस मैम। आगे देखते हैं. अब हम कहते हैं उसकी जो करेक्टर स्किट्स हैं, टू और मोर पर्सन्स, ये हमने डिसाइड, ये अभी अभी डिस्कस किया है कि एटलीस्ट टू और 50 कितने होने चाहिए मैक्सिमम. और ये डिसाइड किया है कंपनीज एक्ट के अंतर्गत. कंपनीज एक्ट में हमारा एक सेक्शन है 464 जो ऑथराइज करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड करने के लिए, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको डिसाइड किया है. वो अब जो पर्सन्स हैं दे शुड नॉट बी माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, या यहाँ पर ये है कि डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ, इसमें हमारा आ जाता है इंसॉल्वेंट, क्योंकि इंसॉल्वेंट को डिस्क्वालिफाई किया गया है लॉ के लिए, लॉ के द्वारा, तो यहाँ पर वो इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए. इंसॉल्वेंट कहने के बजाय आप उसे यही कहोगे कि ही शुड नॉट बी डिस्क्वालिफाइड बाय द लॉ. ओके. दूसरा एग्रीमेंट, पार्टनरशिप जो है वो एक एग्रीमेंट होता है, एग्रीमेंट होता है मतलब म्यूचुअल ट्रस्ट के बेस्ड पर एक हमारा रिलेशनशिप है, बिजनेस रिलेशनशिप है बिटवीन द टू और मोर पर्सन्स. तो ये एक एग्रीमेंट बनाया जाता है सबसे पहले और तब ये शुरू होता है. वो ओरली भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, लेकिन इट विल बी बेटर दैट इट शुड बी रिटन, क्योंकि रिटन इज अ प्रूफ इन केस ऑफ एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन इन द फ्यूचर, एनी टाइप ऑफ द डिस्प्यूट्स इन द फ्यूचर. इफ यू हैव एनी रिटन डॉक्यूमेंट देन यू कैन प्रूव द थिंग्स, ठीक है. अगर आपने केवल ओरली, अभी तो आपका बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है पार्टनर्स में और उन्होंने ओरली डिसाइड कर लिया और काम अपना कर रहे हैं, लेकिन आप अगर बाद में कोई भी डिस्प्यूट होता है तो उसको प्रूव नहीं कर पाओगे इन फ्रंट ऑफ एनी लॉ, इन फ्रंट ऑफ एनी कोर्ट, ठीक है. या कोई भी अगर आपका मीडिएटर भी आता है तो वो कहेगा ये कि भाई लिखित में दिखाओ कि कहाँ तुमने ये डिसाइड किया था. तो आपको एग्रीमेंट जो बनाना है, पर ऐसा नहीं है कि अगर आपने रिटन में नहीं बनाया तो आपकी जो पार्टनरशिप है वो इलीगल हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी. नो, वो प्रॉपरली वैलिड रहेगी, पर इट विल बी बेटर दैट यू हैव अ रिटन एग्रीमेंट, रिटन डीड बनाइए आप. लॉफुल लॉफुल बिजनेस
जो हमारा बिजनेस करने के लिए वो आपस में एक साथ आते हैं वो लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दो और या ज्यादा लोग हैं वो किसी बैंक को रॉबरी करने के लिए या कहीं पे चोरी करने के लिए आपस में आए तो और उससे मिले हुए धन को वो आपस में बांट रहे हैं, तो वो कोई पार्टनरशिप नहीं कही जाएगी। इट इज नॉट अ लॉफुल बिजनेस। जो आपका बिजनेस है दैट शुड हैव लीगल एग्जिस्टेंस इन द आईज ऑफ लॉ। प्रॉफिट शेयरिंग, कि उनका प्रॉफिट शेयरिंग होगा कि जितने जो भी उनसे उस काम से मिलने वाला अमाउंट है उसको वो आपस में डिवाइड करेंगे। और यस, उसको वो आपस में डिवाइड कर लेंगे। उसके बाद है बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय द वन और ऑल। देखिए, बिजनेस कैन बी कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनरशिप एक्टिंग फॉर ऑल। कि यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है कि सारे के सारे पार्टनर्स ही काम करेंगे। जैसा भी उनके आपस में बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी, जो भी उनमें आपस में एग्रीमेंट होगा उसके बिहाफ पर, उसी के अकॉर्डिंग वो सारे के सारे भी काम कर सकते हैं और उनके पार्ट पर कोई एक या दो बंदे भी काम कर सकते हैं। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स, राइट्स होते हैं कि ये बेटा थियोरेटिकल है, ये आप अपने पढ़ लेंगे। इसमें बेसिकली ये चीज़ है कि सारे पार्टनर्स को, चाहे वो वर्किंग पार्टनर हो चाहे वो स्लीपिंग पार्टनर हो, उसको अपनी फर्म से रिलेटेड सारी चीज़ों को जानने का, उसमें पार्टिसिपेट करने का राइट्स होते हैं। ठीक है, तो वो राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट, कि वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, कि कभी भी आकर उन्हें देख सकता है। कंसल्ट अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब कोई भी अगर इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो नॉन वर्किंग भी है पार्टनर तो भी उससे उन चीजों को पूछा जाएगा। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स। वो किसी भी टाइम पे बुक्स को इंस्पेक्ट कर सकता है और उसकी एक कॉपी ले सकता है। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स, मतलब कि अगर तुमने कोई भी रेशो अगर डिसाइड कर लिया है तो उस रेशो में, अगर नहीं डिसाइड किया है तो इक्वली उनको प्रॉफिट्स को शेयर लेने का उसको अधिकार रहेगा। इफ ए पार्टनर हैज अ एडवांस्ड लोन, अगर उसने कोई भी लोन दिया है तो पार्टनर को 6% पर एनम से उस पे इंटरेस्ट लेने का अधिकार है। या तो तुमने कोई पार्टनरशिप डीड में कोई भी डिसाइड की हो रेट कि भाई अगर कोई भी पार्टनर लोन देगा तो उसे हम 10% पर एनम से देंगे, 8% पर एनम से देंगे। अगर नहीं डिसाइड किया है तो आपको 6% से उसको देना ही होगा, मतलब कि पार्टनर लोन देने पर 6% से इंटरेस्ट रिसीव करेगा। देखो यहाँ पर डिफरेंस है बेटा, कि एक तो होता है कैपिटल पर इंटरेस्ट और एक होता है लोन पर इंटरेस्ट। कैपिटल पर इंटरेस्ट जब तक कुछ पार्टनरशिप डीड में डिसाइड ना किया जाए तो एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। लेकिन लोन पर आपको अगर कोई पार्टनरशिप डीड में डिसाइड नहीं भी किया गया है तो भी 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा। इन केस ऑफ अमरजेंसी ए पार्टनर हैज अ राइट टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द बेस्ट जजमेंट। वो इस तरीके से काम करने के लिए मतलब उसको राइट्स होते हैं जैसा कि उसका अपना बिजनेस होता, फर्म का नहीं। मतलब जिस तरीके से वो एक्शन लेता, जिस तरीके से वो कोई भी डिसीजन लेता अगर उसका वो पर्सनल बिजनेस होता तो, अगर वो उसी तरीके से किसी भी पार्टनरशिप फर्म के मामले में, इमरजेंसी के केसेस में कोई डिसीजन लेता है तो वो डिसीजन पूरी तरीके से माना जाएगा। ठीक है, उसको पूरी तरीके से अदर जो पार्टनर्स हैं उनको मानना पड़ेगा। अगला है, ए पार्टनर हैज अ राइट नॉट टू अलाउ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। कोई भी पार्टनर किसी भी पार्टनर को, किसी भी नए पार्टनर को एडमिशन अपनी मर्जी से नहीं कर सकता जब तक कि सारे पार्टनर्स उसके लिए कंसेंट नहीं देते। मतलब कि कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट होगा बाय द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स। एंड गिविंग द प्रॉपर नोटिस, ए पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर होने का, उसे फर्म को डिसॉल्व करने के लिए कोर्ट में पिटीशन देने का, ये सब चीजें उसको अधिकार होती हैं। इनको आप रीड करोगे बेटा, मतलब रीड नहीं लर्न भी करोगे, क्योंकि जब एग्जाम में आप लिखोगे तो लर्न करके लिख पाओगे। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? डीड हमारा होता है एक रिटन डॉक्यूमेंट। इट इज अ डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस रिलेटिंग टू द पार्टनर्स एंड पार्टनरशिप फर्म। उसको आप जो भी आपको डिसाइड करना है वो सब हम एक डॉक्यूमेंट में लिखते हैं, और रिटन डॉक्यूमेंट वो ऑरली भी हो सकती है, केवल डिसाइड भी कर सकते हो, लेकिन जब आप उसको रिटन में करते हो, उसको रजिस्टर कराते हो अंडर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, तो उसे हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड।
तो पार्टनरशिप डीड जो आप तैयार करोगे उसमें हमारी मेनली कोई एक सेट फॉर्मेट नहीं है, कोई भी चीजें आप उसमें रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई एक लीगल फॉर्म है कि आपको वही वही चीजें उसमें लिखोगे, नहीं, कोई भी चीजें आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो, कोई सेट फॉर्मेट नहीं है। जो भी आपको ऐसा लगता है कि आपको एक क्लैरिटी के लिए कि हर चीज को डिस्क्राइब करने के लिए आपको जरूरी है, तो वो चीजें आप उसमें इंक्लूड करोगे। तो ये उसमें होगा। मेनली जो जनरली जो चीजें होती हैं वो ये होती हैं, पार्टनर्स के नेम, ऑक्यूपेशन डिस्क्रिप्शन, फर्म का नेम, एड्रेस ऑफ द फर्म एंड प्रिंसिपल प्लेस, की जो हमारा मेन हेड ऑफिस रहेगा बिजनेस का वो कहाँ पर रहेगा, किस तरीके का आप बिजनेस करोगे, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, कौन सी डेट ऑफ कमेंसमेंट, कि कौन सी डेट से आपकी माना जाएगा कि पार्टनरशिप स्टार्ट हो गई है, कौन कौन कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है, उन पर कितना इंटरेस्ट, अगर कोई भी पार्टनर इंटरेस्ट कैपिटल लगाता है तो उस पर कितने परसेंट से उसको कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर कोई भी पार्टनर निकलवाता है कुछ पैसे लेता है फर्म से तो उस पर उसे कितने परसेंट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा, मतलब उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन क्या रहेगा, रेट क्या रहेगा इंटरेस्ट ऑन लोन का, रेमुनरेशन, अगर कोई वर्किंग पार्टनर है तो उस पर रेमुनरेशन कितना दोगे, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अगर कोई भी न्यू पार्टनर आता है, रिटायर होता है, या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंजेस करते हो तो उस समय पर जो गुडविल वैल्यूड की जाएगी वो किस बेसिस पर की जाएगी, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कैसे होगा, अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस समय पर किस तरीके से आप उसके अकाउंट्स को सेटल करोगे, कौन कौन सा अमाउंट उन्हें दिया जाएगा, ये सारी चीजें हम अपनी पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड करते हैं। ये तो सिर्फ एग्जाम्पल है, ये हमें जो 20 पॉइंट्स दिए हुए हैं दीज आर जस्ट एग्जाम्पल्स। आप इसके अलावा भी अगर पार्टनर्स कुछ भी इसमें ऐड करना चाहते हैं तो उसे कर लेते हैं, ठीक है। अब आगे आता है इम्पोर्टेंस। यस बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड। देखो ये इम्पोर्टेंट क्यों होती है, हमने पहले भी किया था कि जब भी आप किसी चीज को रिटर्न में कर लेते हो और उसको एक रजिस्टर करा लेते हो अंडर एनी ऑफिशियल अथॉरिटी, तो वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन जाता है जिसको कि आप कहीं भी प्रूफ के जैसे आप उसे क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, कहीं पर भी किसी भी पर्सन को दिखा सकते हो, ठीक है। तो पार्टनरशिप डीड इज एन इम्पॉर्टेंट लीगल डॉक्यूमेंट विच डिफाइंड रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स एंड इट इज इम्पॉर्टेंट द रिटन पार्टनरशिप डीड इज टू अवॉइड अवॉइड एनी टाइप ऑफ द कंफ्यूजन्स एंड डिस्प्यूट्स एंड पॉसिबल डिस्प्यूट अगर कोई भी हो जाता है तो। उसके बाद ही जब, क्योंकि ओरली बातों को आप किसी को शो नहीं कर सकते, प्रूव नहीं कर सकते, तो इसलिए पार्टनरशिप डीड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, ठीक है। उसके लिए अब आप कैसे कहोगे कि इट गवर्न्स द राइट ड्यूटीज एंड लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर। आप अगर किसी को बाद में किसी भी राइट को यूज करने के लिए रोका जाता है तो वो ये दिखा सकता है कि हमने इस बात को डिसाइड किया था कि पार्टनर्स को ये राइट्स हैं और वो उन राइट्स को फिर कर पाएगा। एंड डिस्प्यूट्स अराइजिंग होती है तो उसके लिए आप उसको एक रिटन डॉक्यूमेंट को शो कर सकते हो, ठीक है। इज इट एसेंशियल टू हैव ए पार्टनरशिप डीड? नो, ये एसेंशियल नहीं है, मतलब कि अच्छा है लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके ना होने से अगर आपने रिटन में कोई डॉक्यूमेंट नहीं बनाया तो आप उसको, मतलब वो आपकी जो पार्टनरशिप है वो कोई इलीगल हो जाएगी या इनवैलिड हो जाएगी, ऐसा नहीं है। प्रोविजंस अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर सपोज आपने पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई या फिर कोई भी एक ऐसा किसी चीज के बारे में उसमें प्रोविजन करना भूल गए तो हमारे कौन कौन सी चीजें अप्लाई होंगी, हम उसको करेंगे अब। देखिए बेटा, फ्रॉम द अकाउंटिंग व्यू जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उसको हम यहाँ पर करेंगे कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस। अगर आपने कोई भी रेशो डिसाइड नहीं करी, इट विल बी इक्वल, तीन पार्टनर्स हैं, दो पार्टनर्स हैं, जितने भी हैं, एक ने 1 लाख रुपए लगाए हुए हैं, एक ने 10 लाख रुपए लगाए हुए हैं, एक ने 0 पैसा लगाया हुआ है, तब भी वो ये नहीं कह सकता कि मेरी इतनी कैपिटल है, आपकी कम है, ज्यादा है, कुछ नहीं। आपका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो रहेगा दैट विल बी इक्वल, जो भी अगर आपने नहीं डिसाइड किया है,
या तो वो एज पर कंसीडर करके कि उनकी कितनी कैपिटल है या कौन कितना काम करेगा उसके बेस पर पहले से ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को डिसाइड कर लें इन देयर पार्टनरशिप डीड, बट इन द एब्सेंस ऑफ द पार्टनरशिप डीड या इन द एब्सेंस ऑफ एनी प्रोविजन और इन द पार्टनरशिप रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी इक्वल, ये हमेशा बराबर रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ नहीं दिया जाएगा अगर डिसाइड नहीं है तो, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स कुछ नहीं लिया जाएगा अगर डिसाइड नहीं है तो, इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम, अगर किसी पार्टनर के लोन पर आपने इंटरेस्ट डिसाइड नहीं किया है तो ये कितना माना जाएगा बेटा 6%, ठीक है। रेमुनरेशन कुछ नहीं दिया जाएगा, नो सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर इफ देयर इज नो एनी प्रोविजन इन द पार्टनरशिप डीड। एडमिशन कोई नहीं होगा, न्यू पार्टनर को एडमिट नहीं कर सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, कोई भी न्यू पार्टनर, आप ऐसा नहीं है कि ए बी सी हैं और ए अपने सन को उसमें पार्टनरशिप में ऐड करना चाहता है, एडमिशन करवाना चाहता है, तो जब तक बी और सी मान नहीं जाते तब तक आप उसके सन को या कोई भी पर्सन को फर्म में एडमिट नहीं कर सकते। उसके बाद है हमारे लायबिलिटीज ऑफ द पार्टनर्स, ये उनकी, अब जैसे हमने अभी राइट्स के बारे में बात किया था तो इसी तरीके से उनकी कुछ लाइबिलिटीज भी होती हैं। लाइबिलिटीज होती हैं कि इफ ए पार्टनर कैरीज ऑन द बिजनेस, वो उसकी लाइबिलिटी होगी, उसका ये ड्यूटी होगी कि वो इस सारे काम करे जैसे कि वो अपने बिजनेस के लिए करता, अगर उसका जैसे अपना बिजनेस होता है तो उसी तरीके से, मतलब कोई भी काम करना है ना उसे तो वो करना है इन द बेनिफिट, इन द इंटरेस्ट ऑफ फर्म, जैसे ऐसा अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए उसे काम नहीं करने हैं, ठीक है। तो उसकी ये लायबिलिटी है, सबसे पहले हमें तो एक बार उसे कंपटीशन में कोई काम नहीं करना। देखो एबीसी एक फर्म है, एबीसी और उनका कोई भी क्लॉथ मर्चेंट है, वो कपड़ा एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं या सेल ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो एबीसी में से कोई भी पार्टनर अपना सेम बिजनेस, मतलब टेक्सटाइल का ही बिजनेस वो नहीं करेगा, तो कोई भी कॉम्पिटिशन में फर्म के जो कॉम्पिटिशन करे और उससे कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं किया जाएगा। अगर उस वो करते हैं और उससे कोई भी प्रॉफिट अर्न करते हैं तो दैट अर्नड प्रॉफिट विल बी पेड टू द फर्म, अगर उससे कोई भी प्रॉफिट होगा तो वो किसको दिया जाएगा, फर्म को दिया जाएगा। इफ द पार्टनर अर्न्स प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द फर्म, अगर मान लो कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज मिस्टर ए का पहले से आयरन का काम था, अब तुमने एबीसी फर्म में एक मशीनरीज बनाने के लिए काम शुरू किया, तो उसके लिए हमें आयरन चाहिए, आयरन ए ही सप्लाई करता है अपनी फर्म एबीसी को, ठीक है, उससे कोई भी वो बेनिफिट अर्न नहीं कर सकता, वो उसे जो भी अगर प्रॉफिट होगा तो उसे फर्म को वो वापस करना पड़ेगा। तो मतलब फर्म का यूज करके या फर्म के साथ किसी भी ट्रांजेक्शन में कोई भी पार्टनर की ये ड्यूटी है, ये लाइबिलिटी है कि वो किसी भी तरीके का प्रॉफिट या कोई भी बेनिफिट अर्न नहीं करेगा। फिर उसके बाद है अदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखिए इफ ऑल द पार्टनर्स एग्री, ए माइनर जो होता है ही इज नॉट अलाउड टू बी ए पार्टनर, बट इन सम केसेस एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 उसका जो सेक्शन 30 है वो ये कहता है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस होंगे जिनमें कि आप माइनर को भी पार्टनर बना सकते हो, बट वो केवल प्रॉफिट्स में होगा। जैसे कई बार क्या होता है कि इंस्टेंटली किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है और उसके जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका सन है या उसकी डॉटर है, वो अभी माइनर है, तो उसको जब पार्टनर बनाया जाता है तो उसको सिर्फ प्रॉफिट्स में बनाया जाएगा फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है, तो वो केवल प्रॉफिट्स में होगा। इसके अलावा तो एक पर्सन में बी एडमिटेड एज अ पार्टनर आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स और इन अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, कि अब ये पॉइंट हम पहले भी कर चुके हैं कि विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स यू कैनॉट एडमिट एनी न्यू पार्टनर इन द फर्म, ठीक है, किसी को भी न्यू पार्टनर को आप एडमिशन नहीं दे सकते, उसको पार्टनर नहीं बना सकते। ए पार्टनर में रिटायर फ्रॉम द फर्म आइदर विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स और अकॉर्डेंस विद द एग्रीमेंट अमंग द पार्टनर्स, जो भी उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है, या फिर सारे पार्टनर्स जब
एग्री हो जाएंगे तभी वो फर्म से रिटायर हो सकता है, और या फिर जैसा उन्होंने अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया है उसके अकॉर्डिंग। यस बेटा, आगे देखिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ द फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपल्सरी, कि हम रजिस्ट्रेशन नहीं भी कराएं तो भी हमारा काम चलेगा, कोई हमारी पार्टनरशिप एज इट इज चलती रहेगी, अनलेस एंड अदरवाइज एग्रीड बाय द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड ए फर्म इज डिसॉल्व ऑन द डेथ ऑफ द पार्टनर, कि जब भी किसी पार्टनर की डेथ होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी जो फर्म है वो डिसॉल्व हो जाएगी। वो अलग बात है कि जो फिर उसको हटाकर बाकी के कंटिन्यू पार्टनर्स हैं वो अपनी एक न्यू फर्म बनाएंगे, ठीक है, पढ़िए इसको। प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, अमरीश ललित एंड चारू दीज आर द पार्टनर्स एंड इन ए फर्म विदाउट ए पार्टनरशिप डीड, उन्होंने अपनी कोई डीड नहीं बनाई हुई। अमरीश हैज कॉन्ट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल देन अदर पार्टनर्स एंड डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जब डीड नहीं है तो उसके केस में हमने अभी क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी जीरो, तो अमरीश ने ज्यादा कैपिटल लगाई हुई है तो वो ये कहता है कि उसको एल और सी के कंपेरिजन में क्या मिलना चाहिए, इंटरेस्ट मिलना चाहिए, और वो भी कितने परसेंट पर, 10% पे। बट ललित एंड चारू डू नॉट एग्री। तो यहाँ पर अगर आपको इसको देखना, हाउ विल द मैटर्स रिजॉल्व, ये सारे मैटर्स हमें दिए हुए हैं कि इनको कैसे रिजॉल्व करोगे, तो आप लिखोगे इसमें कि एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 अमरीश, इन द एब्सेंस ऑफ एनी पार्टनरशिप डीड, अमरीश विल नॉट गेट एनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इन दिस केस ललित एंड चारू आर राइट, ठीक है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। सेकेंड में है ललित डिवोट्स टाइम, वो काम करता है और डिमांड की है उसने कि मुझे 5,000 rupees पर मंथ सैलरी, मतलब 60,000 पर ईयर सैलरी मिले। बट अमरीश, तो आपको मालूम है कि इन द केस पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, नो सैलरी टू द वर्किंग पार्टनर। तो यहाँ पर बट अमरीश एंड चारू डू नॉट एग्री, तो आप कहोगे येस, एज पर द पार्टनरशिप एक्ट ललित विल नॉट गेट एनी टाइप ऑफ द सैलरी फॉर द वर्क एंड अमरीश एंड चारू आर द राइट। चारू डिमांड्स इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन ऑफ ₹50,000 गिवन बाय हर एंड द मार्केट रेट इज एट द मार्केट रेट। नो, यहाँ तक तो ठीक है कि चारू विल गेट द इंटरेस्ट ऑन लोन बट नॉट एट द 12%, शी विल गेट द इंटरेस्ट एट द 6% पर एनम, क्लियर। अमरीश हैज विड्रॉन ₹10,000, उसने ड्रॉइंग्स की हैं अमरीश ने फॉर हिज पर्सनल यूज। ललित, अब देखिए, जब भी कोई पार्टनरशिप डीड में अगर कोई भी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट हमने डिसाइड नहीं किया हो तो उससे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लिया जाता, ठीक है। तो वो दूसरे वाले जो पार्टनर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि इनसे चार्ज करो आप इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। नो, अमरीश विल नॉट गिव एनी टाइप ऑफ द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बिकॉज एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932 इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड देयर विल बी नो एनी इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इन टू अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द अबव क्लेम वॉज ₹50,000 एट द एंड ऑफ द ईयर एंड अमरीश डिमांड्स शेयर इन द प्रॉफिट इन द कैपिटल रेशो। नो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो विल बी इक्वल। ओके, तो सारे पार्टनर्स को, चाहे किसी की कितनी कैपिटल है, कुछ भी है, अगर आपने डिसाइड नहीं किया है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपका जो रहेगा वो कितना रहेगा, इक्वल रहेगा। ओके बेटा, आई थिंक इसमें कुछ भी ऐसा बहुत वाला टिपिकल वाला नहीं था, जो आपने एक बार प्रोविजन कर लोगे तो इन इस वाले क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर पाओगे। सेकंड भी सेम ऐसा ही है कि आपको ये देखना है कि पार्टनरशिप डीड तो है नहीं है तो आपको कितनी सैलरी देनी है, किसी को कितना इंटरेस्ट देना है, तो ये आप खुद करोगे। यस, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन। देखो बेटा, दो चीजें आएंगी यहाँ पर, एक तो हमारा होगा चार्ज और दूसरा होता है एप्रोप्रिएशन। चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी ऑब्लिगेशन, ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको पे करने ही करने हैं,
ठीक है, चाहे आपको फर्म में प्रॉफिट हो नहीं हो लॉस हो, वो आपको पे करने ही कर। देखिए ये है चार्ज, चार्ज का मतलब होता है कंपल्सरी ऑब्लिगेशन, मींस ऐसे एक्सपेंडिचर जो आपको पे करने ही करने हैं, लाइक रेंट। अगर आपने बिल्डिंग को किराए पर लिया है तो उसमें अगर आपका चाहे उसमें काम चले, जैसे अभी लॉकडाउन हुआ तो उसमें चाहे काम चला या नहीं चला, अगर तुमने रेंट पर कोई बिल्डिंग ली है, रेंट पर कोई मशीनरी ली है, तो वो रेंट आपको पे करना ही करना है। आपने जो भी वर्कर्स काम पर थे उनकी सैलरी देनी ही देनी है। तो ऐसे वाले जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि आपको कंपल्सरीली पे करने ही करने हैं, दे आर कॉल्ड चार्ज। और एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है यूटिलाइजेशन, मतलब आपने कोई चीज है आपके पास और जिसको कि आप यूटिलाइज कर रहे हो, तो यूटिलाइजेशन तो तभी होगा किसी चीज का जब प्रॉफिट्स होंगे, क्लियर। तो ये प्रॉफिट्स होंगे तभी आप उनको यूटिलाइजेशन करोगे। तो लाइक सैलरी ऑफ द पार्टनर्स, जो पार्टनर्स की सैलरी होती है, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू द पार्टनर्स, पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट देना है, इस ये हमारे हैं, ये कौन से फिगर्स होते हैं, कौन सी आइटम्स होती हैं जिनको कि हम प्रॉफिट होता है तो देते हैं, ये हमारे पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आते हैं, ठीक है। तो पार्टनर्स को सैलरी देंगे तभी जब हमारे पास प्रॉफिट्स होंगे, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तभी, या कोई कमीशन देना है तो वो तभी होंगे जब हमारे प्रॉफिट्स हमारे पास अराइज होंगे। अब यहाँ पर बेटा एक और चीज देखिए कि जो लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू द पार्टनर एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ये तो हमें उन्हें देना ही देना है। इट इज अ चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन। ये अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है तो ये आप उसे दोगे ही, तो इट इज अ चार्ज नॉट एप्रोप्रिएशन, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे चार्ज एंड एप्रोप्रिएशंस। यस, पढ़िए। पेमेंट्स मेड और ड्यू टू ए पार्टनर मे बी ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन, ये बस पढ़ लिया हमने। आप इसको देखो, डिफरेंस बिटवीन द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ द प्रॉफिट्स नेचर। देखो चार्ज हमने अभी आपको बताया कि ये होता है रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। सबसे पहले ये जो चार्ज होंगे इनको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, उसमें अकाउंट फॉर करते हैं, और जितने भी आपके एप्रोप्रिएशन रहेंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे, उसमें हम अकाउंट फॉर करेंगे, ठीक है। इट इज द एक्सपेंसेस एंड हेंस यू डिडक्टेड फ्रॉम द रेवेन्यू टू डिटरमाइन द नेट प्रॉफिट। प्रॉफिट एंड लॉस के बाद बनाने के बाद जो हमारा प्रॉफिट बचता है वो हमारा होता है नेट प्रॉफिट, और जो पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद बचता है लास्ट में वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको कहते हैं कि अभी ये जो प्रॉफिट बचा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन के बाद, मतलब पार्टनर्स की सैलरी पे कर दी आपने, उनका इंटरेस्ट पे कर दिया, कोई कमीशन पे करना है वो सब पे कर दिया, मतलब जो पार्टनर्स को देना है वो भी पे कर दिया, और कोई रिजर्व्स में ट्रांसफर करना है वो भी ट्रांसफर कर दिया, तो जो लास्ट में बचता है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में अकाउंट फॉर करते हैं, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट को हम पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में अकाउंट फॉर करते हैं। प्रायोरिटी, इट इज अलाउड बिफोर एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। पहले हमारे जो कंपल्सरी ऑब्लिगेशन होते हैं, चार्ज वाले जो होते हैं, उनको हम पे करते हैं और उनके लिए पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। उसके बाद जब हमारे नेट प्रॉफिट्स कुछ आएंगे तब हम उसको लिए एप्रोप्रिएशन या फिर उनका यूटिलाइजेशन करेंगे। इनके एग्जाम्पल्स आपको बताएं, जैसे रेंट पेड टू ए पार्टनर, रेंट चाहे हम पार्टनर को पे करें या बाहर किसी पार्टी को पे करें तो इट इज अ चार्ज। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर, तो ये भी हमारा क्या रहता है, चार्ज ही हमें पे करने ही करने हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट्स और लॉसेस। बट सैलरी टू द पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ट्रांसफर टू द रिजर्व्स, ये हम तभी करेंगे जब हमारे पास कोई फेवरेबल प्रॉफिट्स होंगे। ओके बेटा, आगे देखो। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय द पार्टनर एंड बाय द फर्म टू द पार्टनर, तो पहली बात आई हमारी कि किसी पार्टनर ने लोन दिया है, वो हमने आपको बताया कि या तो उन पर कोई इंटरेस्ट आपकी पार्टनरशिप डीड में आपने डिसाइड किया हो, नहीं किया तो
तो पार्टनर को हम फर्म देगी 6% पर एनम से लोन, पर इंटरेस्ट। अगर आपने उनके इंटरेस्ट कोई भी डिसाइड नहीं किया, सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, ए ने फर्म को 5 लाख रुपीज का लोन दिया हुआ है, तो उस पर फर्म को क्या मिलेगा, फर्म इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ए को मिलेगा वो इंटरेस्ट 6% पर एनम से। कई बार ऐसा भी होता है कि पार्टनर्स को जरूरत होती है पैसे की, तो वो फर्म से लोन ले लेते हैं। सपोज ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, बी को कोई भी अमाउंट चाहिए, तो ये हमारी फर्म है और फर्म से इसने ले लिया, बी ने ले लिया 5 लाख रुपीज। अब इस पर जो इंटरेस्ट की बात आएगी, वो दो चीजें हैं, या तो आपने एट द टाइम ऑफ लोन, जब आपने बी को लोन दिया था उस समय पे आपने कोई भी एग्रीमेंट टर्म्स अपनी दिखाई कि हम 10% इंटरेस्ट लेंगे आपसे अगर आपको लोन देंगे, तो वो 10% पर एनम से लोन पर इंटरेस्ट बी को देना पड़ेगा और वो हो जाएगी इनकम फर्म की। अगर आपने कोई भी ऐसा इंटरेस्ट इंटरेस्ट का जो रेट है वो डिसाइड नहीं किया, तो उस पार्टनर को कुछ भी इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। मतलब जैसे यहाँ पर उनको कंपलसरी मिलता है ना कोई भी पार्टनर को 6% पर एनम से, लेकिन अगर तुमने उस समय डिसाइड नहीं किया, तो बाद में वो पार्टनर ये कह सकता है कि मैं कोई भी इंटरेस्ट नहीं दूंगा क्योंकि एट द टाइम ऑफ लोन कुछ भी मुझसे नहीं कहा गया था। ठीक है, ये दो चीजें होंगी बेटा। देखिए इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आप कैसे करोगे? यस, इंटरेस्ट ऑन लोन ठीक है। अगर सपोज किसी भी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, तो उसके कैपिटल अकाउंट में हम उस लोन को, देखो इंटरेस्ट ऑन लोन जो हमें पे करना है ना 6% से, दैट इज अ चार्ज, उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की फिगर है वो, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की। तो सारे एक्सपेंसेस को, लाइक अदर सिंपल बिजनेस, हम अपने सारे खर्चों को कहाँ डालते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो एंट्री होगी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन, ठीक है, लोन बाय ए बाय बी। सपोज आपका जो लोन बना उसने 5 लाख रुपीज का लोन दिया था और उस पर 6% पर एनम से हम देते हैं, वो उसको 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस के लिए एक्सपेंडिचर हो गया 30,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन लोन 30,000 रुपीज ए को हमने क्रेडिट कर दिया। अब ये जो इंटरेस्ट आया ये अल्टीमेटली ट्रांसफर होगा उसके कैपिटल अकाउंट में। जो पार्टनर को ये लोन लिया है वो लोन उसकी कैपिटल को इंक्रीज कर देगा। तो एक बार चार्ज करने के बाद हम इसको अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे उसके, पहले यहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन बाय ए अकाउंट डेबिट टू एज लोन अकाउंट। पहले उसका 5 लाख रुपीज का लोन था, अब उसके लोन में हम इसको ट्रांसफर करेंगे, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5,30,000। तो पहले प्रॉफिट एंड लॉस से देखो बेटा चार्ज कीजिए, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन और इंटरेस्ट ऑन लोन जो भी है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन देखते हैं। एक यस, अमित बिमल और चमन पार्टनर्स हैं, उनकी शेयरिंग रेशियो इक्वल। अमित एंड चमन गिव द लोन्स टू द फर्म ऑन द 1st अक्टूबर 2019 को 1 लाख और 1,50,000 का। देखिए ए ने दिया हुआ है 1 लाख का और सी ने दिया हुआ है 1,50,000 का, एंड इट इज एग्री दैट इंटरेस्ट विल बी 9%, उन्होंने डिसाइड किया हुआ है। देखो अब ये इट इज एग्रीड, तो
तो मतलब उनकी पार्टनरशिप डेट में है ये, तो आप उसी से ही निकालोगे, विल बी पेड ऑन लोन। और ये जो दिया है, ये दिया है 1 अक्टूबर को, ठीक है, 1 अक्टूबर को लोन दिया है। एंड बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द क्लोज ऑन द 31 मार्च, तो मीन्स उसे 31 मार्च को क्लोज करोगे तो जो भी ये ईयर है उसमें उन्हें 6 मंथ्स का इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन येट टू बी पेड, मतलब अभी केवल प्रोवाइड किया गया है, ठीक, तो पहले प्रोवाइड कीजिए। देखो पहले 1 लाख पर 9% से 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकालेंगे। ये तो हो गया ए का, और बी का, सी का हो जाएगा 1,50,000 पर 9% से 6 मंथ्स का, क्योंकि अक्टूबर में लिया है और केवल मार्च तक हम इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आपके जो इंटरेस्ट हो गए वो हो गए 4,500 एंड 6,750, ठीक है। ये पहले आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिए। उसके बाद आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस से पहले इनके चार्ज कर लोगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स, टोटल आपका हो गया ये, इसको आप करोगे तो 11,250 को आपको प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद जिस जिस पार्टनर का जो जो लोन है उसके लोन अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स टू एज लोन अकाउंट, टू सीज लोन अकाउंट, टोटल जो आपने प्रोवाइड किया था 11,250 का, ए के लोन में इंक्रीज हो जाएगा 4,500 और सी के लोन में अकाउंट में हो जाएगा 6,750, ठीक है बेटा। इस तरीके से आप लोन का पहले प्रॉफिट एंड लॉस से, पहली बात तो ये ध्यान रखेंगे कि ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की आइटम नहीं है, ये एक चार्ज है और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा, ठीक है। उसके बाद पहले आप इसे चार्ज कर लो और फिर उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर लो, ठीक। आप इतना कीजिए, बाकी का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। और रिजोल्यूशन वाला क्वेश्चन भी करो, अगर कोई भी उसमें डाउट होगा तो उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे।